अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास डीएलएफ लेक्चर नंबर 4। और जो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे वो है बाइनरी एडिशन एंड थोड़ा सा बाइनरी सबट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन डेप्थ में हम नेक्स्ट आगे आने वाले लेक्चर्स में जाएंगे बाइनरी सबट्रैक्शन। आज मेनली हम थोड़ा सा एडिशन पे बात करेंगे। तो बाइनरी एडिशन क्या है, अब हमने बाइनरी नंबर सिस्टम समझ लिया, अब हमें बाइनरी के एडिशन पर फोकस करना है। डेसिमल के एडिशन तो हम बचपन से करते आ रहे हैं वैसे ही है, लेकिन बाइनरी में थोड़ा सा ये है कि नंबर्स कम होते हैं तो एडिशन कैसे होगी ये देखना। व्हेन एवर एडिशन रिजल्ट इज ग्रेटर देन 2 to the power n, कैरी विल बी प्रोड्यूस्ड। बिल्कुल वैसे ही जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में होता था कि कैरी कब प्रोड्यूस होती थी, 9 से बड़ा नंबर हो जाए तो यहाँ पे कैरी कब प्रोड्यूस होगी, यानी 1 से बड़ा नंबर हो जाए, क्योंकि इसमें तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, 0 है या 1 है, तो कैरी इसमें हमेशा प्रोड्यूस हो जाती है अगर नंबर मेरा 1 से बड़ा हो जाए, यानी 2 भी कैरी बनकर आएगा, 3 भी कैरी बनकर आएगा और आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो ये जनरल सी बात कही हुई है कि 2 to the power n, यानी मोर देन 1 बिट्स की बात करें, अगर 4 बिट्स हैं और आपका नंबर जो है रिजल्ट जो है ग्रेटर देन दैट बिट रेंज में आ जाए तो फिर कैरी जनरेट होगी। n is the number of digits या number of bits। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने एक टेबल लिखा हुआ, सिंपल बाइनरी एडिशन भी हुई है यहाँ पर और डेसिमल भी। पहले हम डेसिमल पे फोकस कर लेते हैं कि एडिशन होती कैसे। डेसिमल में अगर आप ये 3 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट आता है, अच्छा यहाँ पे जो हाईलाइट हुआ है रेड में वो है कैरी आउट, यानी कैरी जनरेट होगी या नहीं होगी। तो तीनों नंबर 0 को ऐड करेंगे तो सम भी 0 आएगा और कैरी भी कुछ नहीं जनरेट होगी। 0 1 0 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट तो 1 आएगा लेकिन कैरी में कुछ नहीं आएगा, और फिर अगर आप 2 को ऐड करेंगे तो 2 रहेगा, कैरी कुछ नहीं आएगी। आपने ये नंबर ऐड किया 1 और 8, ठीक है, तो रिजल्ट विल बी 9 लेकिन कोई कैरी जनरेट नहीं होगी। लेकिन आपने 1 और 9 को ऐड किया तो आपका रिजल्ट होता है 10। और ये 10 कैसे आता है एक्चुअली, अगर मैं आपको यहाँ करके बताऊँ तो आप यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे लिखते हैं 9 और इनको करते हैं ऐड, तो 1 और 9 आप कहते हैं यहाँ आ गया 0 और यहाँ चला गया 1 कैरी, ठीक है, और फिर आप इस 1 को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये बना है आपका 1 0। तो ये जो 1 रेड में लिखा हुआ है यहाँ पर, ये है कैरी, कैरी जनरेट हुई है। जब नंबर आपका रेंज से बढ़ जाता है तो कैरी जनरेट होती है डेसिमल। तो इसी तरह ये लास्ट एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखी हुई है कि 991 को अगर मैं ऐड करूँगा, 991 क्यों कह रहा हूँ अभी बता देता हूँ। फर्स्ट कर लेते हैं इस स्टेज में 99 लिखा हुआ है आपके पास, ये 9 और ये 9 भी लिखा हुआ, ये नंबर है, ठीक है, तो जब 1 और 9 को मैंने ऐड किया 0 आया तो ये इसके ऊपर कैरी चली गई 1। तो ये जो आप ब्लू में देख रहे हैं ना, ये कैरी इन है, यानी इस स्टेज को कोई कैरी मिल रही है प्रीवियस स्टेज से, तो ये इसमें लिखी हुई है। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ये जो मैं ब्लू में लिख रहा हूँ ये है, ये ब्लू में, दैट इज एक्चुअली दैट कैरी इन, ये वो कैरी जो प्रीवियस स्टेज से जनरेट हुई है और इस स्टेज पर आ गई है, तो ये कैरी इन कहलाती है। और जो इस स्टेज से आउट हुई, इस स्टेज के लिए कैरी आउट है लेकिन नेक्स्ट स्टेज के लिए कैरी इन बन जाती है, ठीक है, इसने जो कैरी जनरेट की है तो इसके लिए कैरी है, ये वाली चीज जो है प्रीवियस स्टेज की कैरी आउट है लेकिन नेक्स्ट स्टेज के लिए कैरी इन बन जाती है, स्टेज समझ रहे, यानी नेक्स्ट डिजिट के लिए। तो कैरी आउट ऑफ प्रीवियस स्टेज विल बिकम कैरी इन ऑफ करंट स्टेज, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐड करता हूँ 199, अब ये वाली सिचुएशन है, 9 नंबर है मेरा, दूसरा नंबर भी 9 है और कैरी मेरे पास आई हुई 1, तो इनको ऐड करता हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या बनेगा देख लेते हैं। 9 और 9 18 और प्लस 1 19, 19 का यहाँ पे 9 आया और फिर वही वाली बात है, अच्छा मैं कलर फिर चेंज कर लेता हूँ, 9 और 9 18 और प्लस 1 19 का 1 आया और ये 1 कैरी चला गया इस जगह पर और फिर ये यहाँ पर आ गया, तो ये टोटल क्या बन गया मेरे पास आप देखें तो ये वाली चीज 19 की इक्वेलेंट आ गई जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, डेसिमल में हम ऐसे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ डेसिमल करके ये बताना चाहा है कि कैरी क्या होती है, ठीक है, कैरी यहाँ पे अगर आप इस टेबल में देखें तो जो ब्लू में लिखी हुई है वो कैरी इन्स हैं और जो रेड में लिखी हुई है वो कैरी
आउट है, यानी कैरी जनरेट हुई है, और कैरी इन का मतलब है उसको पिछले स्टेज से कैरी मिल चुकी थी। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब भी आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं तो दो नंबर तो होते ही होते हैं, लेकिन तीसरी चीज उसमें एक और नंबर आ सकता है, वो है कैरी फ्रॉम प्रीवियस स्टेज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात क्लियर हो। तो डेसिमल से तो हम फेमिलियर है, कोई नई बात नहीं है। अब अगर बात करते हैं बाइनरी नंबर से, तो बाइनरी नंबर में जब मैं 0 0 0 करता हूँ तो डेफिनेटली कोई कैरी इन नहीं है, कोई कैरी आउट नहीं होती। मैं एक नंबर पीछे से कैरी आ रही है तो एक ही रहेगा सम में, जहाँ जहाँ एक वन है आप देखें रिजल्ट अगर। ठीक है, एक वन के केस में मेरा रिजल्ट 0 1 आ रहा है हमेशा, लेकिन जब भी मेरे पास दो वन आ जाते हैं तो दो वन में मेरा रिजल्ट 1 0 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाइनरी में अगर मैं वन और वन ऐड करता हूँ, डेसिमल में तो ये होता है 2, लेकिन बाइनरी में 2 नहीं होता। बाइनरी में तो मैक्सिमम नंबर जो जा सकता है वो है 1। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, दोबारा से वही बात, काउंटिंग में क्या शुरू हो गया, 1 और 0। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, बाइनरी की अगर काउंटिंग चल रही है तो पहले आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर अगले मरतबा में क्या होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे रहेगा 0, फिर यहाँ आएगा 1 1, फिर अगली मरतबा में क्या होगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये दोनों 0 रहेंगे। ठीक है, फिर वही पैटर्न रिपीट होगा, 1 0। अच्छा ये 0 है, ध्यान रखिएगा 6 नहीं है, ये आ जाएगा। फिर क्या होगा इस 1 के साथ, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने कुछ भी नहीं लिखे हैं, ये सारे आप समझ लें 0s ही हैं। ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये भी 0 है, और ये भी। अब अगर मैं यहाँ पे 0 लगा देता हूँ, क्योंकि टेबल आपको फेमिलियर लग रहा होगा, ये देखें एक एक के बाद इंटरचेंज हो रहा है, ये दो दो के बाद इंटरचेंज हो रहा है, ये चार चार के बाद इंटरचेंज हो रहा है, तो ये वही टेबल बन जाता है। ठीक है, तो यही टेबल मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं तो ये 3 बिट के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ लिखे हैं। ठीक है, 3 बिट्स में ये पॉसिबल 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही चेंज हो रहे हैं। पहला सिंगल सिंगल बिट के डिफरेंट उस कॉम्बिनेशन पे चेंज हो रहा है, दूसरा दो दो पे चेंज हो रहा है, तीसरा चार चार पे चेंज हो रहा है। अगर मैं इन तीनों डिजिट्स को ऐड कर दूं, ठीक है, क्योंकि 3 बिट्स की बात की जा रही है तो 3 बिट्स में यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो अगर आप देखें एक भी 1 नहीं है तो वो कैरी आउट भी 0 है, सम भी 0 है। एक 1 आता है तो सम हमेशा 1 हो जाता है, तो वो कॉम्बिनेशन जिसमें एक एक 1 है तो वहां पे सब जगह पे क्या हो गया, ये मेरे पास 1 1 आ रहा है। यहाँ पे एक 1 है और देखें कोई कॉम्बिनेशन, ये देखें ये वाले कॉम्बिनेशन भी एक 1 था, इधर आ गया मेरे पास 1। ये वाला कॉम्बिनेशन 2 वाला है, ठीक है, एक एक वाले कॉम्बिनेशन में 0 1 0 1 आ रहा है। दो वाले कॉम्बिनेशन चेक करें तो दो वाला कॉम्बिनेशन है ये, दो वाले कॉम्बिनेशन में आ रहा है 1 0, फिर दो वाला कॉम्बिनेशन है ये, इसमें भी आ रहा है 1 0, फिर ये दो वाला कॉम्बिनेशन है इसमें भी आ रहा है 1 0, और सिर्फ 3 वाला एक ही कॉम्बिनेशन है 1 1 1, और इसमें क्या होता है, दोनों आ जाते हैं 1 और 1। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या चीज डिडक्ट की या इसे अखस किया, अखस ये किया कि अगर बाइनरी नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर मैं बाइनरी नंबर को ऐड कर रहा हूँ तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, दो आउटपुट हैं कह सकते हैं, एक होता है सम, एक होता है कैरी। ठीक है, अगर मेरे पास तीनों नंबर 0 हैं तो दोनों 0 रहेंगे, सम भी 0 आएगा, कैरी आउट भी 0 आएगा। अगर मेरे तीनों बिट्स में से एक पे 1 है, किसी भी एक पे 1 हो, फिर चाहे वो कैरी इन पे 1 हो या नंबर ए पर 1 हो या नंबर 2 पे 1 हो, तो मेरा रिजल्ट रहेगा 0 1, यानी सम तो 1 आएगा लेकिन कैरी कुछ भी जनरेट नहीं हो। ठीक है, तीसरा केस क्या है कि हो सकता है कि मेरे पास दो वन आ जाए, किसी भी वजह से दो वन आ जाए, कैरी इनकी वजह से आ जाए या दोनों नंबर्स में 1 आ जाए, किसी भी वजह से दो वन आ जाए, तो उस केस में मेरा रिजल्ट क्या होता है, कैरी जनरेट हो जाती है। तो उस केस में कैरी मेरी 1 हो जाती है, कैरी आउट मेरी 1 हो जाती है, लेकिन सम मेरा 0 रहता है। लेकिन इवेंचुअली जब पूरा पढ़ते हैं तो उसे वो 1 0 बनता है, और 1 0 इज एक्चुअली इक्वेलेंट टू 2। मैं ये भी बता देता हूँ, ये एक्चुअली 0 0 तो आप समझते ही हैं किसके इक्वेलेंट है, इसका मतलब होता है डेसिमल का 0। ठीक है, 0 1 होता है डेसिमल का 1, 1 0 जो होता है वो एक्चुअली डेसिमल के 2 के बराबर होता है। ठीक है,
10 जो होता है वो डेसिमल के 2 के बराबर होता है, और इसी तरह 11 जो होता है वो डेसिमल के 3 के बराबर होता है। एंड इट मेक्स सेंस ना कि अगर आप देखें भाई 2 1 को ऐड कर रहा हूँ तो 2 बनना चाहिए, तो आप देखें जितने भी 2 1s वाले कॉम्बिनेशन है वहां पे 10 लिखा हुआ है, देखें 1 1 ये रहा 1 1 ये रहा, तो इसमें देखें 10 लिखा हुआ है, फिर इसमें देखें तो 1 1 ये रहा 1 1 ये रहा, तो इसमें भी देखें 10 लिखा, और जाहिर सी बात है जब 3 1 लिख दूंगा 1 + 1 + 1 तो इसका इक्वेलेंट आना चाहिए 3, और 3 इज एक्चुअली 1 1 इन बाइनरी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि मैंने आप लोगों की रेफरेंस के लिए चार्ट बना दिया है कि 1 1 होगा तो 1 ही आएगा, 2 1 होंगे तो 2 आएगा, 3 1 होंगे तो 3 आएगा, लेकिन बाइनरी में लिखने के लिए 1 का मतलब होता है 0 1, 2 का मतलब होता है 1 0, 3 का मतलब होता है 1। यहाँ तक बात क्लियर है? जी क्लास, तो बस ये याद रख लीजिएगा जो राइट मैंने टेबल बनाया है तो ये भी हमारे पास काम आएगा जब अभी मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा। तो 0 means 00, 1 means 01, 2 means 10 एंड 3 means 11। ठीक है, ये पैटर्न याद रखना, मैं क्लियर कर देता हूँ इसे। ये एक एग्जाम्पल है, अब इसको हम देख लेते हैं। बाइनरी में मुझे करनी है एडिशन। अब ध्यान रखिएगा वो जो अभी मैंने आपको टेबल बताया था, ये मैं उसको टेबल को दोबारा आपके लिए बना देता हूँ। हाँ लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। तो ये है जी 00 मीन्स एक्चुअली क्या होता है मेरे पास 0, और 01 जो है वो एक्चुअली होता है 1, और 10 होता है मेरे पास 2, और 11 होता है मेरे पास 3। ठीक है, तो अब इसको हम रेफरेंस के तौर पे यूज करते हुए आगे चलते हैं। तो मैंने ऐड किया 1 और 1 को, 2 1s हैं, ठीक है, ध्यान रहे 2 1 ऐड हो रहे हैं तो मेरा बनना चाहिए 2। ठीक है, और 2 इज इक्वेलेंट टू क्या होता है 10, तो मैंने 0 यहाँ लिख दिया, ये आ गया 0। ठीक है, और 1 कहाँ चला गया मेरे पास, कैरी में चला गया, राइट। अब क्या है मेरे पास 1 1 1, 3 1 है, 3 1 का मतलब था 3, 3 का मतलब है मुझे लिखना चाहिए 1 1 इधर, तो 1 1 में मैंने 1 तो इधर लिख दिया, ठीक है, और 1 मेरा चला गया कैरी। ठीक है, 1 लिख दिया, 1 चला गया कैरी। अब 1 + 0 + 0 तो ये तो टोटल बनेगा 1, और 1 इज इक्वेलेंट टू सिंपल 1 लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, कुछ भी कैरी जनरेट नहीं। ठीक है, कैसे मुझे पता कि 100 पे कुछ नहीं हुआ, मैं ये वाला कॉम्बिनेशन देख सकता हूँ यहाँ से। ये देखो ये कॉम्बिनेशन है कौन सा, ये वाला कॉम्बिनेशन है, अगर आप ध्यान दें तो ये कॉम्बिनेशन है, कैरी इन आई वी है मेरे पास 1, लेकिन नंबर्स मेरे दोनों क्या है 0 है, तो इस केस में मैंने क्या लिखना है 1 लिखना है, कैरी कुछ भी जनरेट नहीं है, 10 कैरी कुछ नहीं है, तो मैं ज्यूम कर लेता हूँ कैरी इधर हो गई 0 ही, तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा 0 1 0, मैं इधर अपने टेबल में चेक कर सकता हूँ 0 1 0, मैं इस कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो 0 1 0 का मतलब है, वैसे भी मुझे पता भी था एक ही 1 है, 1 1 का मतलब 1 ही आने वाला है, तो इधर आ गया सिंपली 1, कोई कैरी जनरेट नहीं हुई। अच्छा, अगर आसानी के लिए मैं लिखना चाहता हूँ टेबल से कंपेरिजन, तो मैं ज्यूम कर लेता हूँ इधर कैरी 0, इधर भी वैसे 0 ही थी, लेकिन इधर पहले स्टेज पर हम लिखते ही नहीं है तो मैंने नहीं लिखी इधर। अब मेरे पास कॉम्बिनेशन कौन सा आ रहा है 0 1 1, तो मैंने चेक किया 0 1 1, तो ये वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन में अगर रिजल्ट देखा जाए तो मेरे पास आता है 2 1 आने का मतलब है 2 आ रहा है, और 2 के लिए मुझे कोड लिखना होता है वैसे भी 10, तो मैंने ये लिखा 0, 1 कैरी चला गया, और नीचे कुछ नहीं था तो ये 1 एज इट इज यहीं पर आ गया, तो ये नंबर इस तरीके से मैंने ऐड कर लिया बाइनरी। कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा से चीजों को ध्यान रखना है कि कैरी कब जनरेट हो, तो कभी भी नंबर अगर 2 1 आते हैं, यानी इनको मैं 2 1 की बात करूं, इन तीनों चीजों में आप चेक कर लें, यहाँ पर और यहाँ पर अगर 1 से ज्यादा 1 आ रहे हैं तो कैरी लाजमी जनरेट होगी। ठीक है, 1 से ज्यादा 1 आ रहे हैं तो कैरी लाजमी जनरेट होगी, यानी ये 2 कॉम्बिनेशन सेफ हैं जिसमें कैरी जनरेट नहीं होती, लेकिन ये 2 कॉम्बिनेशन पे कैरी जनरेट होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
अच्छा मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ, लेकिन क्लियर करूँगा तो सब चला जाएगा। चल ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। और क्या है हमारे पास, इसको सॉल्व करा हुआ होगा होपफुली यहाँ पे नीचे एक एक करके। ठीक है तो ये देखें क्या हुआ, पहले सबसे पहले स्टेज को सॉल्व किया 0 1 1, तो इसमें कैरी जनरेट हो गई 1 और सम आ गया 0, और यही कैरी फिर जो है इधर से क्या हुआ, इन्होंने अगले स्टेज में जो यहाँ से जनरेट हुई थी इसको ले जाकर यहाँ लिख दिया। ठीक है अभी स्टेज स्टेप वाइज सॉल्व होने के करके फिर क्या हुआ, फिर आगे बढ़े 1 1 1 किया, फिर से कैरी जनरेट हुई थी, तो फिर से इस कैरी को क्या किया, इस कैरी को यहाँ फिर से ले जाके यहाँ लिख दिया। ठीक है मैं स्टेप वाइज ब्रेक करके सॉल्व कर रहा हूँ। अब तीसरे स्टेज पे पहुंचे मैं 1 0 0 पे, अब इसमें तो डेफिनेटली कोई कैरी जनरेट नहीं हुई, तो मुझे अगले स्टेज पे कोई कैरी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जस्ट फॉर शो लिखना चाहूँ तो यही 0 यहाँ आ गया। ठीक और फिर लास्ट क्या है हमारे पास, लास्ट स्टेज में हमारे पास ये सिचुएशन बन गई, और इसमें क्या हुआ ये यहाँ चली गई, और इधर क्या होगा ये फाइनली यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे तो जाहिर सी बात है कोई और नंबर बचेगा नहीं हमारे लिए, तो ये एज इट इज नीचे ही आ जाएगा। ठीक है इन्होंने 0 ऐसे ही लिख लिया क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, तो 0 अज्यूम करते हुए इन्होंने एज इट इज इसको लिख लिया, तो ओवरऑल नंबर जो मेरा बना वो बना ये जो कि है मेरा सम जो बन रहा है वो है ये। ठीक है 1 0 1 1 0, ये समझ में आई एडिशन आप लोगों को क्लास, या कोई कंफ्यूजन है इसमें, एक कोई क्यूरी हो तो आप कर सकते हैं। बाकी बातें क्लियर है या बस कह देते हैं क्लियर है? ठीक है तो बेसिक सी चीजें, लेकिन कंफ्यूजन इसलिए हो सकती है, बार बार एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नंबर सिस्टम चेंज हो गया है, हम डेसिमल से फेमिलियर हैं, डेसिमल से फेमिलियर हैं, जब बाइनरी में करते हैं ना तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है। ठीक है एक और दफ़ा रिपीट कर देता हूँ मैं, इसको कर लेते हैं हम क्लियर। ठीक है अच्छा, कंफ्यूजन अगर मजीद रहती है लेक्चर के बाद भी तो इसका तरीका यही है कि आप रिकॉर्डिंग जो है मैं अपलोड कर देता हूँ जितना जल्द से जल्द, हो तो LMS पे आप टॉप पर लिंक मौजूद है, वहाँ पे से आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी जो है लेक्चर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जितने भी अभी तक हुए। ठीक है मैं इंडिविजुअल लेक्चर अपलोड नहीं करूँगा, एक सिंगल प्लेलिस्ट है उसी में मैं ऐड करता रहूँगा, तो आप वहाँ से उसको एक्सेस करते रहिएगा। अच्छा हो क्या रहा है दोबारा से देख लेते हैं, देखो एडिशन करनी थी मैंने इन 2 नंबर को जब ऐड किया तो इसका रिजल्ट 2 1, अगर इस टेबल को अगर मैं देखता हूँ 2 1 का मतलब होता है 2 और 2 का मतलब होता है 0, यानी 2 1 का मतलब होता है अगर मैं सिंपली लिखूँ 1 0, तो 1 0 में मैं सिर्फ 0 नीचे लिखूंगा, 1 जो है कैरी चला जाएगा मैं यहाँ लिखूँ, और जब मैं 3 1 को ऐड करता हूँ 1 1 1, तो इसका रिजल्ट बनता है 1 और 1, तो इसमें भी मैं सिर्फ 1 1 को नीचे लिखूंगा यहाँ पर, ये 1 लिख दिया गया, और जो दूसरा रिमेनिंग 1 है वो चला जाएगा कैरी यहाँ पर, और जब मैं 1 00 को ऐड करूंगा तो इसका रिजल्ट सिंपली 1 ही बनता है, तो एज इट इज मैंने ये 1 नीचे ऐसे ही लिख दिया। ठीक 1 0 को मैं ऐड करता हूँ तो मेरा रिजल्ट बनता है 0 1। ठीक है तो कोई परेशानी की बात नहीं, मैंने 1 लिख दिया और 0 कैरी जाके क्या करेगी कोई फर्क नहीं। फिर मेरे पास आते हैं 2 1, 2 1 का मतलब फिर वही वाली बात है कि मेरा रिजल्ट बनेगा 1 0, तो 1 0 में मैं सिर्फ 0 नीचे लिखूंगा और 1 कैरी चला जाएगा, तो ये 0 मैंने नीचे लिखा और ये 1 मेरा कैरी चला गया, और चूंकि आगे कुछ नहीं है तो ये 1 फिर एज इट इज नीचे आ गया और मेरा फाइनल रिजल्ट यहाँ जनरेट हो। ठीक है तो ये इस तरीके से काम कर रहा है बाइनरी, जो मैंने अभी आपको टेबल बताया था वो अगर आप ध्यान में रखें तो आपके पास हमेशा एडिशन में यही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आते हैं, हमेशा एडिशन होती है तो उसमें 3 नंबर होते हैं और 3 नंबर में 0 या 1 ही हो सकते हैं, तो 0 या 1 के 4 पॉसिबिलिटीज हैं, और 4 पॉसिबिलिटीज का मतलब है या तो बोथ 0 0 आएगा, या 0 1 आ जाएगा, या 1 0 आ जाएगा, या 1 1 आ जाएगा, और ये बहुत आसान है। मैंने अभी आपको बताया ना कि 0 0 का मतलब तो 0 ही है, 0 1 का मतलब है 1 1, 1 0 का मतलब है 2 1s, और 1 1 का मतलब है एक्चुअली आपके 3 बिट्स में तीनों के तीनों 1s के। ठीक है इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, ये यहाँ पे देखो अगर मैं दिखाना चाहूँ एग्जाम्पल के तौर पर, तो देखो अगर
तीन वंस की बात करते हैं तो ये देखो इसमें रिजल्ट क्या जनरेट हुआ, वन और वन, ये भी वन है और ये भी वन है, दोनों वन है, ठीक है। अगर एक वन है तो एक वन का मतलब सिंपली ये होता है बस ये वन आएगा और कैरी तो जीरो ही रहेगा। लेकिन अगर दो वन वाला कॉम्बिनेशन आ जाता है तो दो वन वाले कॉम्बिनेशन में आपका हमेशा वन जीरो जनरेट होता है, ठीक है। दो वन वाले कॉम्बिनेशन में हमेशा वन जीरो जनरेट होगा, एक वन वाले कॉम्बिनेशन में हमेशा जीरो वन जनरेट होगा, और तीनों वन वाले कॉम्बिनेशन में हमेशा वन वन जनरेट होंगे, ठीक। और एक भी वन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है जीरो जीरो ही जनरेट होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैंने रिपीट तो कर दिया लेकिन अब फिर से मजीद रिपीट नहीं कर पाऊंगा, तो आगे बढ़ता हूँ और मजीद अगर स्टिल किसी को कंफ्यूजन हो तो फिर लेक्चर को रिवॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई बाइनरी की एडिशन, ठीक है। इस पर अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे, हमारे आगे के दो तीन लेक्चर एडिशन सब्ट्रैक्शन पे ही चलेंगे, आज तो थोड़ा सा बेसिक्स की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन, अभी तक जो हमने एडिशन देखी है वो है पॉजिटिव, टिल नाउ वी हैव ओनली कंसीडर्ड हाउ अनसाइंड या नॉन नेगेटिव नंबर्स। अभी तक जो हम बात करते आ रहे हैं वो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर कैसे रिप्रेजेंट होंगे, पॉजिटिव नंबर क्या है, इसकी रेंज क्या है, टू टू द पावर एन में ये हो जाएगा ये हो जाएगा। तो अभी तक हमने नेगेटिव नंबर पे बात नहीं करी, लेकिन नेगेटिव नंबर डू एग्जिस्ट, आपको पता है हम नेगेटिव नंबर की कैलकुलेशंस भी करते हैं, तो उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। तो इस कोर्स में हम उनको रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड्स को डिस्कस करेंगे, हर मेथड्स के प्लस माइनसेस हैं और इवेंचुअली हम जाके कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे कौन सा मेथड बेस्ट है। तो थ्री वेज टू रिप्रेजेंट साइन नंबर्स, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। पहला मेथड है साइन मैग्नीट्यूड मेथड, जो भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड्स पे जाएंगे, ठीक है। इन कंप्यूटर मेमोरी ऑफ फिक्स्ड बिट, ठीक है, साइन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय बिट। अब कंप्यूटर में तो वन और जीरो होते हैं, साइन तो मैं लिख ही नहीं सकता, तो मैं क्या करता हूँ कि एक स्टैंडर्ड मैंने बना लिया है कि हमेशा जो मेरे नंबर की लेफ्ट मोस्ट बिट होगी, से लेफ्ट मोस्ट बिट होगी वो मेरा साइन होगी, ठीक है। लेफ्ट मोस्ट बिट जो होगी, यानी मेरे पास अगर 8 बिट का एक नंबर है तो उसमें से 7 मेरा एक्चुअली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो रहा होगा, और जो 8th बिट होगी वो मेरा साइन होगा, ठीक है, ये मैंने मान लिया। और फिर मैंने एक रूल बना लिया कि अगर वो वाली बिट 0 होगी तो मैं अज्यूम करूंगा ये नंबर पॉजिटिव है, और अगर वो वाली बिट 1 होगी तो मैं कहूंगा ये नंबर नेगेटिव, ठीक है। तो रूल क्या है कि 0 अगर आ रहा है MSB होती थी ना हमारी सबसे लेफ्ट मोस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, अगर मेरी 0 है और मैं कह रहा हूँ कि ये साइन नंबर है, ठीक है, कीप इन माइंड मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ साइन नंबर है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइन रिप्रेजेंट करे, अगर वो साइन नंबर है तो वो साइन रिप्रेजेंट करेगी, अगर वो अनसाइन नंबर है तो वो भी मैग्नीट्यूड का पार्ट बन जाएगी। इसको ऐसे ले सकते हैं कि अगर मैं आपको मिसाल दूँ, एक बॉक्स बना के मिसाल दे देता हूँ, ठीक है, अगर तो वो साइन नंबर है, ठीक है, तो इस साइन नंबर में आप साइन नंबर में ऐसा होता है कि ये पोर्शन से आपका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हाईलाइट किया मैंने रेड में, और ये जो ब्लू में मैंने हाईलाइट किया है ये रिप्रेजेंट करता है साइन, ठीक है, साइन बिट और बाकी रिमेनिंग मैग्नीट्यूड। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ साइन बिट और मैग्नीट्यूड, तो ये पार्ट जो है आपका रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड, समझते हैं ना, एक्चुअली वेटेज ऑफ योर, तो ये तो हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये भी रेड में लिखा हुआ, प्रॉब्लम होगी, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होगा और ये चीज होगी आपकी साइन, प्रोवाइडेड दैट अगर आपके नंबर साइंड है, ठीक है, लेकिन अगर आपका नंबर ही अनसाइंड इन नेचर है, ठीक है, फिर कह रहा हूँ अगर आपका नंबर ही अनसाइंड इन नेचर है तो अनसाइंड नंबर के लिए पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपका, पूरा का पूरा बॉक्स का रिप्रेजेंट कर रहा होगा मैग्नीट्यूड, पूरा का पूरा बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस केस में, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर अनसाइंड नंबर है तो देखें उसमें साइन का पार्ट ही नहीं, तो दो तरह की रिप्रेजेंटेशन है, साइन नंबर की रिप्रेजेंटेशन अलग होती है, अनसाइंड नंबर की रिप्रेजेंटेशन अलग होती है। अभी तक जो हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ते आए वो है ये वाली, यानी कि अनसाइंड नंबर वाली।
अब जिसमें हम बात करना चाह रहे हैं वो है ये वाली रिप्रेजेंटेशन, जिसमें एक बिट रिजर्व होती है साइन के लिए, बाकी सारी बिट्स होती हैं मैग्नीट्यूड के। तो अगर बात की जाए फॉर्मूला की, तो अभी तक हमने बात की थी से अगर 8 बिट हैं, ये टोटल 8 बिट्स हैं, तो 8 बिट्स का मतलब ये है, अगर टोटल मेरे पास 8 बिट्स हैं, ठीक है, 8 बिट्स के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो होता है 2 to the power n, ठीक है। तो 2 to the power n कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम इसमें 256 नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। 2 to the power 8 का मतलब होता है 256। और स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर रेंज की बात की जाए, तो रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो ये रेंज बनेगी 0 से लेकर 255, यानी 8 बिट के अंदर अगर मैं नंबर रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ अनसाइंड नंबर, तो 0 से लेकर मैक्सिमम 255 तक नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। यानी 0 का मतलब होगा ये सारे 0000000 होंगे, और 255 का मतलब होगा ये सारे 1111 होंगे, 8 वंस का मतलब होता है 255। लेकिन जब मैं साइन मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, सॉरी, जब मैं साइन नंबर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें तो आपको पता लग गया 1 बिट तो साइन ने ले ली, तो रिमेनिंग कितनी बची, 7 बची। तो 7 का मतलब है इसमें 2 की पावर 8 नहीं बल्कि 2 की पावर 7 रह जाएगा। तो 2 की पावर 7 का मतलब होता है, 2 की पावर अगर 7 की बात करूं तो एक्चुअली दैट इज इक्वेलेंट टू 128, तो 128 हो जाता है एक्चुअली। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्लस माइनस 128 तक नंबर प्रेजेंट हो सकते हैं। प्लस माइनस 128 का मतलब है माइनस 128 भी हो जाएगा, माइनस 120 भी हो जाएगा, माइनस 15 भी हो जाएगा, और ये सूट आ गया। यानी अब मेरी रेंज हाफ हो गई एक तरीके से। पहले मैं मैक्सिमम 255 तक नंबर रिप्रेजेंट कर सकता था, लेकिन वो स्टार्ट होते थे 0 से। अब क्या है, मेरे नंबर स्टार्ट होंगे नेगेटिव की तरफ से। यानी अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको इलस्ट्रेट करके दिखाना चाहूँ, तो अगर मेरी नंबर सिस्टम की लाइन है ये, ठीक है, यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है, और ये मेरा सेंटर पॉइंट है, यानी ये है मेरा 0। तो अगर साइन नंबर होते थे तो वो 0 से स्टार्ट होते थे, और से यहाँ पे है मेरे पास 255। तो सेम 8 बिट के अंदर जब मैं रिप्रेजेंट करता था, मैं इसको कलर कोड कर देता हूँ, जब अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंट करता था, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर रेंज को ऑक्यूपाई करते थे। लेकिन टोटल क्या होता था, 0 से 255 स्टिल कितना होता था, 256 ही होता था टोटल। मैंने में नंबर जितने रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वो 256। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि मेरी रेंज जो है मैंने पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक कर दी है, और वो से -128 से लेकर, चलो अभी फिलहाल में मुझे पता है, लेकिन जान के मैं 128 ही लिख रहा हूँ, +128 ही लिख रहा हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो अब जो मेरे नंबर रिप्रेजेंट होंगे साइन नंबर, वो यहाँ से लेकर एक्चुअली यहाँ तक होंगे, लेकिन स्टिल ये भी टोटल कितने नंबर्स होंगे, 256 नंबर्स होंगे। तो आप बात शायद समझ रहे होंगे कि क्या फर्क पड़ा। फर्क ये पड़ा कि मैंने अपनी नंबर लाइन को 0 से शिफ्ट कर दिया टूवर्ड्स थोड़ा सा लेफ्ट, ताकि वो नेगेटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सके, लेकिन टोटल स्टिल 256। 8 बिट हमेशा 256 कॉम्बिनेशन ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 2 to the power 8 मीन्स 256। तो डजेंट मैटर नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, अनसाइंड नंबर हो, साइन हो, टोटल तो 256 रहेगा। लेकिन अगर मैंने, जाहिर सी बात है, अगर अपनी नंबर लाइन को थोड़ा सा नेगेटिव डोमेन में शिफ्ट कर गया, तो पॉजिटिव में से भी थोड़ी सी वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगी, तो पॉजिटिव की रेंज थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आधी मैंने पीछे की नेगेटिव की तरफ रह गया, तो पॉजिटिव की भी आधी रह जाएगी, तो फिर मेरी रेंज कम हो जाती है, तो वो 255 तक नंबर रिप्रेजेंट नहीं करेगी बल्कि 128 तक रह जाएगी। ये नंबर लाइन वाली बात समझ आई, मैंने क्या किया है, मैंने अपने नंबर्स को 0 से स्टार्ट करने का जाए -128 से स्टार्ट कर दिया। यानी काउंटिंग अगर मैं -28 से स्टार्ट करूं और कहूं टोटल आपने 256 टाइम्स काउंट करना है, तो वो 128 पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी काउंटिंग 0 से स्टार्ट करूं, यानी इट्स लाइक एक रेस है, और मैं आपको कह रहा हूँ आपका स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह ये है, आप यहाँ से लो 256 कदम, तो 256 कदम आपके यहाँ पे हो जाएंगे। लेकिन अगर यही काम मैं आपको कहूँ कि यहाँ से करो, यहाँ से स्टार्ट करो और 256 कदम लो, तो आपके कदम यहाँ तक चले जाएंगे। तो ये फर्क है, स्टार्ट आप अगर थोड़ा पहले से लेंगे तो आप एंड भी पहले ही हो जाएंगे, स्टार्ट आप आगे से लेंगे तो एंड भी आप आगे तक कर पाएंगे। तो साइन नंबर और अनसाइन नंबर पे ये फर्क आता है।
कि आपके नंबर्स जो हैं थोड़े से शिफ्ट हो जाते हैं नेगेटिव की तरफ। ये बात समझ में आई? ये जो मैंने कहा कि रेस आपको स्टार्ट करनी है -128 वाले पॉइंट से और 256 कदम चलने, तो आप +128 तक जा सकते हैं। अगर आपने रेस स्टार्ट की है 0 वाले पॉइंट से और 256 कदम चलने हैं, तो आप 255 तक चले जाएंगे। पूरी ना सही, कुछ कुछ बातें समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अच्छा, थोड़ा सा मैं पेज को फास्ट करता हूँ, मेरी एक मीटिंग भी है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी आप लोगों को, कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट हो। वैसे सारी नॉलेज जो मैंने यहाँ पे दी है वो नेसेसरी नहीं है कि आपको भी समझ में आए या आप उसको परसीव करने की कोशिश करो, ठीक है? मैंने एक जनरल पर्सपेक्टिव दे दिया कि होता क्या है। ये नंबर लाइन सबसे काम की है, तो इस पर फोकस जरूर कीजिएगा और इस एग्जाम्पल को बार बार सुनिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये बात क्लियर हो गई कि साइन नंबर में रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है एक बिट रिजर्व हो जाती है फॉर साइन, और उसमें मैं कहता हूँ 0 आएगा तो प्लस पॉजिटिव नंबर और 1 आएगा तो नेगेटिव। तो इस एग्जेम्पशंस को लेते हुए, अच्छा हाँ देखें, ये आ गया ना, यही मैंने आपको बताया था कि अगर 8 बिट है तो आपके पास 1 बिट साइन के लिए और बाकी रिमेनिंग बिट्स मैग्नीट्यूड के लिए। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको करके बता दिया, तो हम टाइम सर्व नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। और साइन मैग्नीट्यूड मेथड की बात है, तो साइन मैग्नीट्यूड मेथड में, अच्छा मैंने आपको बताया था 128, यहाँ पे लिखा हुआ है 127। हाँ ठीक है, 127 ही होगा, और ये मैं आगे बताऊंगा कि आगे चल के एक जगह 128 आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं सारे 1 रख देता हूँ तो जो नंबर बनता है वो 127 बनता है, ठीक है? सारे 1s करने का मतलब है 127, ठीक है? 128 नहीं है, करेक्शन कर लीजिए, 127। तो अगर सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर की बात करूँ, पॉजिटिव नंबर है तो ये वाली बिट का 0 होना जरूरी है, और सबसे बड़ा नंबर वो होता है जिसमें सारे 1111 आ जाए, ठीक है? तो सारे 1111 आते हैं तो ये बनता है इक्वेलेंट टू 127। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर हो सकता है 127। इसी तरह नेगेटिव नंबर की बात की जाए, तो साइन बिट में मैंने 1 रख दिया, 1 रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव नंबर, और सारे 111 लिख दिए, तो 111 तो इक्वेलेंट होता है माइनस 111 होता है 127 के इक्विवेलेंट, और 1 इक्विवेलेंट है माइनस। तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर हो गया -127। 0 की अगर बात कर लें तो 0 सारे 0 होते हैं, ये 0 आ गया। लेकिन अब यहाँ पे मसला क्या है, 1 लगाऊंगा तो एक और पॉजिटिव 0 भी आ रहा है और नेगेटिव 0 भी आ रहा है, ठीक है? अब ये वाली थोड़ी सी बात है इसमें प्रॉब्लम, कि इसमें 0 के लिए 2 बाइनरी कोड है। यानी अगर मैं 0 सारे लिखूं तब भी 0 कहलाएगा, और 1 सारे 0 लिखूं तब भी 0 कहलाएगा। तो ये एक मसला है, 0 के लिए 2 बाइनरी कोड, यानी एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है 2 डिफरेंट बाइनरी वैल्यूज, एक ही डेसिमल नंबर को 2 डिफरेंट बाइनरी कोड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो आ गई है। ये तो पहली प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसमें 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, रेंज तो आपको पता ही लग गया क्या है, -127 से +127 जाएगी, और फॉर्मूला अगर इसका आप जनरलाइज करना चाहें तो वो है 2 to the power n -1 -1 से लेकर 2 to the power n -1, और इधर भी आएगा -1, बेस में भी -1 है, पावर में भी, लेकिन ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है? और ये है नेगेटिव, यानी नेगेटिव नंबर ऑफ -127 से लेकर पॉजिटिव नंबर ऑफ 127 बनेगा अगर आप यहाँ पे एन की वैल्यू 8 एंटर करेंगे तो। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स रिप्रेजेंट द साइन, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 0 पॉजिटिव को, 1 नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? इसमें एक प्रॉब्लम तो ये आ गई कि इसमें 2 जीरोस आ रहे हैं, ठीक है? इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे आगे चल के, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम भी है। अच्छा, टू निगेट अ नंबर जस्ट इन्वर्ट द साइन बिट। अच्छा, इसमें क्या, अगर मुझे किसी नंबर को मैं कहूँ इन नेगेटिव कर दो, तो आप सिंपली क्या करेंगे, अगर मैं आपको ये नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसका नेगेटिव चाहिए, मैंने बोला इसको नेगेटिव करना है, तो आपने क्या कहा, नेगेटिव साइन तो नहीं आता मायने में, आपने इसके 0 को फ्लिप करके या इन्वर्ट करके कर दिया 1, आपने कहा ये हो गया भाई कन्वर्ट आपके लिए, ठीक है? निगेट कर रहा हूँ, और अगर नंबर ऑलरेडी नेगेटिव है उसको निगेट करूंगा तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो यहाँ पे मैं 0 कर दूँ,
तो सिंपली जब भी मुझे माइनस करना है या नेगेटिव लेना है किसी का, तो मैं उसकी साइन बिट को फ्लिप कर देता हूँ, जीरो है तो वन कर देता हूँ, वन है तो जीरो कर देता हूँ। तो ये तो हो गया किसी भी नंबर को नेगेटिव करने का तरीका इन साइन मैग्नीट्यूड मेथड। अच्छा एक एग्जाम्पल कर लेता हूँ, मैंने कहा चले मैं ये कैलकुलेशन करके देखता हूँ जिसमें है एक्चुअली क्या 7 माइनस 6, आपको पता है इसका रिजल्ट आना चाहिए -1, सॉरी इसका रिजल्ट आना चाहिए +1, 7 बड़ा है -6 करूंगा तो इसका रिजल्ट आना चाहिए +1। मैंने कहा ठीक है चलें कैलकुलेशन करते हैं। पहले मैंने +7 को रिप्रेजेंट किया बाइनरी में, वो होता है इसके इक्वेलेंट, 7 का कोड होता है 111 और प्लस का मतलब है 0, तो ये मैंने 0 रेड में लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं प्लस का मतलब जो रेड में है वो साइन है। 6 का मतलब होता है 100 और चूंकि माइनस का 6 है तो यहाँ पे साइन बिट में मैंने लिखा हुआ है 1। समझ में आ रही है बात, जहाँ नेगेटिव है वहां पे मैंने साइन बिट में लिखा हुआ है 1, जहाँ पॉजिटिव है वहां मैंने साइन बिट में लिखा हुआ है 0। इन दोनों को मैंने ऐड किया, ऐड कैसे किया वही जो भी हम थोड़ी देर पहले एडिशन करना सीख कर रहे हैं। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, जब मुझे 7 माइनस 6 करना है इज एक्चुअली इक्वेलेंट टू 7 प्लस माइनस 6, यानी अगर मैं 7 में -6 ऐड कर दूं तो वही अचीव हो जाएगा ना जो मुझे चाहिए। मतलब कि ये कहना चाह रहा हूँ कि 7 माइनस 6 अगर मुझे करना है, यानी 7 माइनस 6 इज एक्चुअली इक्वेलेंट टू 7 में अगर मैं ऐड कर दूं -6, ये चीजें इक्वेलेंट है ना, दोनों इक्वेलेंट है, एक ही बात है, -6 को ऐड कर दूं या 6 को सब्रैक्ट कर दूं दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, -6 को ऐड कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा रिजल्ट वही आ जाएगा जो मुझे चाहिए, तो यही मैंने किया। तो जब ये मैंने किया तो प्लस का 7 ये रहा, इसमें ऐड कर दिया मैंने -6 और वही पूरे स्टेप्स किए जो अभी थोड़ी देर पहले एडिशन किए हैं, तो इवेंचुअली जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा, तो इवेंचुअली जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो होगा दिस वन 0101। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें ये 0 इंडिकेट कर रहा है कि ये साइन है, और साइन 0 में साइन रिप्रेजेंट ये करता है कि इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है तो ये बात पता लगी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है सो फार सो गुड। और 101 जो है मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 5, तो इट मींस यहाँ पे ये जो रिजल्ट हमारे पास जनरेट हुआ है 7 माइनस 6 का, ये कह रहा है कि इट विल बी +5, यानी 7 में से अगर मैं -6 कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो है वो है +5, जो कि ऑब्वियसली एक गलत रिजल्ट है। 7 में से अगर मैं 6 सब्रैक्ट करता हूँ तो रिजल्ट शुड बी +1, जबकि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है +5, तो ये एक गलत रिजल्ट है। ऐसा क्या हो रहा है कि ये गलत रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हमने देखी जो कि है साइन मैग्नीट्यूड मेथड में, और ये है कि सप्रेक्शन के रिजल्ट यहाँ पे इनकरेक्ट या इनअप्रोप्रिएट आते हैं। ठीक है साइन मैग्नीट्यूड में हमने दो प्रॉब्लम्स देखी, पहली प्रॉब्लम ये थी कि इसमें 2 जीरोस की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, और सेकंड प्रॉब्लम जो हमने फेस की वो ये देखी कि आप इसमें अगर सप्रेक्शन परफॉर्म करेंगे तो मे बी मे नॉट बी, कभी सही रिजल्ट आएंगे तो कभी गलत भी आ जाएंगे। तो करेक्ट रिजल्ट जो 7 माइनस 6 का है +1 है, और उसका अगर कोड अगर आप देखना चाहें तो उसका कोड होता है ये, तो यहाँ पे मेंशन है 0 बता रहा है पॉजिटिव और 001 बता रहा है मैग्नीट्यूड। तो एक्चुअली ये कोड जनरेट होना चाहिए था करेक्ट रिजल्ट के लिए, लेकिन हमारा कोड ये जनरेट हुआ है दैट इंडिकेट्स के साइन मैग्नीट्यूड के मेथड से अगर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो मेरे रिजल्ट्स गलत आ सकते हैं या गलत आते हैं। तो साइन मैग्नीट्यूड मेथड में एक और प्रॉब्लम सामने आई कि सब्ट्रैक्शन ये सही नहीं कर सकता, एडिशन सही कर लेगा। क्यों एडिशन सही कर लेगा, एडिशन में दोनों नंबर की साइन सेम होगी। ठीक है एडिशन सही कर लेगा क्योंकि उसमें दोनों नंबर की साइन सेम होगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन में एक नंबर की साइन प्लस है तो दूसरे की माइनस होगी, पहले की प्लस है तो दूसरे की माइनस होगी, पहले की माइनस है तो दूसरे की प्लस होगी, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा ओवरऑल, और सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट इनकरेक्ट आते हैं इन साइन मैग्नीट्यूड मैथड। ठीक है तो थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि हमने दो गलतियां देखी, दो प्रॉब्लम्स बेसिकली फेस की साइन मैग्नीट्यूड में, एक तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 जिसमें 2 जीरोस आते हैं, और दूसरी ये प्रॉब्लम नंबर 2 जिसमें सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट हमारे पास आते हैं इनकरेक्ट। ठीक है तो ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में
और हम मजीद जो वो है नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेशन या साइन नंबर रिप्रेजेंटेशन के लिए मेथड्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या वो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कामयाब होते हैं या नहीं। ठीक है, तो अभी तक के लिए कीप इन माइंड कि साइन मैग्नीट्यूड मेथड हमने ट्राई किया, बसाइर बहुत सिंपल लग रहा था, लेकिन इसमें दो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं। एक टू बाइनरी वैल्यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग सेम डिजिट जीरो, यानी जीरो के लिए दो बाइनरी कोड्स हैं, और सेकंड इसमें सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट इनकरेक्ट आते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। तो यहाँ पे मैं लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।